नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। जी फॉर गाइड में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ सीखते हैं। दोस्तों स्वागत है फिर से आपका इस ग्रुप में। आपको मैं जो बताऊंगा मोबाइल प्रोसेसर के बारे में, बहुत सारे दोस्तों को एक कन्फ्यूजन रहता है, ये ड्यूल कोर क्या होता है, क्वाड कोर क्या होता है, ARM A57 A53 ये क्या होता है, 10 नैनोमीटर 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर ये क्या होता है। और सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें गीगाहर्ट्ज़, 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ये क्या होता है। तो आज मैं इसको बड़ी सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये डिटेल्स क्या होती है एक मोबाइल में। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद कम से कम आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि इन सब चीज़ों का एक प्रोसेसर में क्या महत्व है। मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और ज़मीन के टुकड़े पर एक बेहतर बिल्डिंग बनाना है कॉलेज के लिए। कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। डिज़ाइन खुद से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस डिज़ाइन का पूरा यूटिलाइजेशन हो, उस बिल्डिंग का पूरा यूटिलाइजेशन हो, उस ज़मीन के टुकड़े का पूरा उपयोग हो, तो आप एक अच्छे से आर्किटेक्चर के पास जाएंगे। यही होता है मोबाइल प्रोसेसर में। आर्म, जो आर्म एक कंपनी का नाम है जो बेहतर आधुनिक डिज़ाइन बनाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल A57, A53, A72। यहीं पे अगर बात करते हैं कि बिल्डिंग कितने मंजिल की बनी हुई है, अगर बिल्डिंग 2 मंजिल की बनी है तो प्रोसेसर में कहेंगे उसको ड्यूल कोर, अगर बिल्डिंग 4 मंजिल की बनी है तो प्रोसेसर में कहेंगे उसको हम ऑक्टा कोर, अगर बिल्डिंग 8 मंजिल की बनी है तो प्रोसेसर में कहेंगे उसको हम हेक्सा कोर, यहीं अगर बिल्डिंग 10 मंजिल की बनी है तो प्रोसेसर में हम कहेंगे उसको डेका कोर। डिपेंड करता है कि आप प्रोसेसर में कितने ब्लॉक्स बना रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है। अब बात करेंगे हम ये 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर ये क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं अगर बिल्डिंग बनेंगी तो बिल्डिंग की दीवारें भी बनेंगी, और दीवारें जितनी पतली कॉम्पैक्ट बनेंगी बिल्डिंग के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में उतनी आसानी होगी। लेकिन पतली से पतले दीवारों पे अच्छा से अच्छा बिल्डिंग बनाना हर किसी की बात नहीं है। अभी जो मोबाइल प्रोसेसर में बात कर रहे हैं तो मोबाइल प्रोसेसर बनी होती है 20 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, एटलीस्ट अभी जो वर्किंग चल रही है स्नैपड्रैगन 835 में 10 नैनोमीटर प्रोसेसर पर। आपके कॉलेज के लिए अच्छा सा डिज़ाइन मिल गया, उस डिज़ाइन पे अच्छी सी बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग की दीवारें कॉम्पैक्ट और पतली बनी हैं, लेकिन उस दीवारों में एक चीज़ लगना बाकी है ना, दीवारों में लगना बाकी है दरवाजे। अब दरवाजे जितने अच्छे से खुलेंगे, आपके जो टीचर्स हैं स्टाफ्स हैं वो एक रूम से दूसरे रूम पे आसानी से जा पाएंगे और अच्छे से टीचिंग कर पाएंगे। सेम कंडीशन है मोबाइल में फ्रिक्वेंसी की। अब फ्रिक्वेंसी काम करती है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे। इसका मतलब जितना इजीली दरवाजे खुलेंगे उतनी इजीली आपके स्टाफ्स मूविंग कर पाएंगे। सेम कंडीशन है जितनी इजीली ब्लॉक के फ्रिक्वेंसी चलेंगे उतना ही जो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग स्पीड होगा वो हाईएस्ट होगा, हाई वे पे होगा। तो कितना सिंपल था समझना कि प्रोसेसर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इसको शेयर करना मत भूलिएगा।